हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइज़, आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं मीशो से बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक होम डेकोर हॉल। रिसेंटली मैंने अपने वीडियोस का बैकग्राउंड जो है वो चेंज किया था और आप सभी लोगों की फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्ट आ रही थी इन फ्लावर्स के लिए ब्लू शेड में। सो गाइज़, ये मैंने ले लिए हैं मीशो से 440 रुपीज़ के। इसमें आपको और कलर वेरियंट्स भी मिल जाएंगे। इसमें आपको ऑरेंज कलर मिल जाएगा, रेड है, येलो है और एक बंच है जिसमें आपको मल्टी कलर्स मिल जाते हैं। सब अराउंड 440 रुपीज़ में हमको बहुत अच्छी क्वालिटी रिसीव होती है। वॉशेबल हैं ये फ्लावर्स और आप इनको अपने बेडरूम में या फिर लिविंग रूम, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे वहाँ पे प्लेस कर सकते हो। एंड काफ़ी एक लिविंग एटमॉस्फेयर सा क्रिएट कर देते हैं, ब्राइट सा लगता है रूम में। एंड इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये एक्चुअली सत्यम क्राफ्ट ब्रांड से हैं जो कि आपको अमेज़ॉन पे भी ईजिली अवेलेबल है। तो मैं इनके मीशो के कोड्स और अमेज़ॉन का लिंक जो भी है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आपको जहाँ से भी कंफर्टेबल लगे आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। प्राइसेस इनके ऑलमोस्ट दोनों जगह सेम ही हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी रिसीव हुई है। सो आप में से जो भी इनको परचेज़ करना चाहते हो, डेफिनेटली अ मस्ट बाय है, आप इनको पक्का से परचेज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है ये ब्यूटीफुल सा प्लांटर जिसमें कि आपको और भी कलर वेरिएंट्स और प्रिंटिंग पैटर्न्स मिल जाएंगे। 332 रुपीज़ का मिल जाता है। इसमें आपको नीचे जो है कुछ इस तरीके से ब्रास के मिल जाता है स्टैंड जिसके नीचे रबर्स लगे हैं, तो ये बिल्कुल भी हिलता सरकता नहीं है। आप इसको एक जगह कंफर्टेबली प्लेस कर सकते हो। और इस प्लांटर में मेरे को काफ़ी सारे ब्राइट कलर्स लगे जो कि बहुत ही ज़्यादा लिविंग लगते हैं रूम में। आप इसको लिविंग एरिया, बेडरूम, कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। इसका स्पेस अंदर जो है काफ़ी अच्छा है, तो आप इसके अंदर चाहो तो जो पॉट में आपके ओरिजिनल प्लांट्स होते हैं उसको रख सकते हो सिक्योरली, या फिर आप चाहो तो जिस तरीके से मैंने इसके अंदर आर्टिफिशियल प्लांट्स को कट करके प्लेस कर दिया है, इसके साइज़ के अकॉर्डिंगली आप वैसा कर सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है एंड काफ़ी ट्रेडिशनल लुक भी देता है, एक अच्छी वाइब क्रिएट करता है आपके रूम में। तो डेफिनेटली अ मस्ट बाय है। नेक्स्ट गाइस, कुछ इस तरीके के सिंपल डिसेंट प्लांटर्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इनके कोड्स नीचे मैंने मेंशन किए हैं। इसमें भी आपको ये स्टैंड मिल जाता है एंड डेफिनेटली आप इनको भी देख सकते हो। नेक्स्ट गाइस, कुछ इस तरीके का मैंने लिया है एक लैम्प शेड जो कि आपको ईजिली अवेलेबल है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे, बट वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट ये 2000 अबव रेंज का मिलेगा। बट मीशो पे आपको ये मिल जाएगा 1000 रुपीज़ से लेकर के, इनफैक्ट कुछ तो इसमें 900 के भी हैं, लेकिन जो मैंने लिया है उसी का कोड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऊपर से हमको ये राउंड सर्कल मिल जाता है, दिखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये क्लॉथ मटेरियल है जूट का, बट एक्चुअली ये थिक पेपर है और उसके ऊपर प्लास्टिक रैप है। सो आप चाहो तो इस प्लास्टिक को रिमूव कर सकते हो या फिर एज इट इज़ रहने दीजिए डस्ट को प्रोवाइड करने के लिए। इसके अंदर हमको बल्ब जो है साथ में मिल जाता है येलो शेड में। अगर आप चाहो तो इस बल्ब को रिप्लेस भी कर सकते हो दूसरे कलर वेरिएंट्स के साथ। कुछ इस तरीके से इसका वुडन स्टैंड है जो कि बहुत अच्छी हाइट का है। और यहाँ पे जो है आपको एक हुक मिल जाता है, एडजस्टेबल है, अप टू 5 फीट तक इसकी हाइट इंक्रीज़ हो जाती है, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हो। रात को भी ये काफ़ी अच्छा लुक दे देता है आपके रूम में। बेडरूम, लिविंग रूम, अगेन आपको जहाँ कंफर्टेबल लगता है आप वहाँ पे रखिए। मैंने अपने वीडियो के बैक साइड पे, बैकग्राउंड पे इसको कुछ ऐसे कॉर्नर पे प्लेस किया हुआ है और ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। क्वालिटी इसके वुड की बहुत स्टर्डी है एंड मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। 4.5 स्टार्स है, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। नेक्स्ट कुछ इस तरीके का एक ड्रम स्टूल है। ये आपको कॉम्बिनेशंस में भी मिल जाता है। आई मीन आप इसको 2 के कॉम्बो में भी ले सकते हो या फिर सिंगल, एंड कलर वेरिएंट्स में इसमें आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। 1074 रुपीज़ का मुझे मिला है। इसका जो ये ऊपर क्लॉथ लगा हुआ है इसको आप रिमूव कर सकते हो, नीचे से ही इलास्टिकेटेड है, तो आप इसको ईजिली वॉश कर सकते हो इफ़ इन केस ये गंदा हो जाता है तो, एंड दोबारा से इसमें अटैच हो जाएगा। नीचे जो वुडन की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, ड्यूरेबल है, आप इसमें ईजिली कंफर्टेबली बैठ सकते हो। और ये भी जो है ड्राइंग रूम, लिविंग रूम में काफ़ी अच्छा लगता है। इसका एक मस्टर्ड येलो शेड है, वो भी काफ़ी अच्छा है, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज़ ब्लू भी आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, कुछ इस तरीके का आप ले सकते हो। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, ड्यूरेबल है एंड ये लाइट वेट है। आप इसको ईजिली एक रूम से दूसरे रूम तक कैरी कर सकते हो, इवन इसको बच्चे भी उठा सकते हैं एंड ये काफ़ी वेट जो है ले सकता है। इस पर अप टू 80 या फिर 90 kgs तक भी जो है अगर आपका वेट है तो आप ईजिली बैठ सकते हो। कलर वेरिएंट्स इसमें मुझे काफ़ी अच्छे लगे, ब्राइट कलर ऑप्शंस हैं इसमें, ग्रीन है, येलो है, रेड है, सारे ही कलर्स आजकल बहुत इन हैं एंड एक ब्राइट लुक देते हैं आपके रूम को। सो डेफिनेटली अगर आप अपने रूम का एक मेकओवर करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके के ड्रम स्टूल्स जो हैं आप अपने रूम में प्लेस कर सकते हो। कुछ इस तरीके का मैंने अपना सेटअप पीछे कर रखा है वीडियोस शूट करने के लिए। सो अगर आप अपने रूम के एक कॉर्नर पे एक अच्छी सी लुक चाहते हो तो कुछ इस तरीके का क्रिएट कर सकते हो। दिस इज़ माई हैप्पी प्लेस टू गो। जब भी मैं बोर होती हूँ यहाँ पे बैठती हूँ और काफ़ी अच्छा फील करती हूँ। नेक्स्ट गाइस आपके साथ शेयर करूँगी ब्यूटीफुल सा एक राउंड मैट जो कि आपको कॉटन मटेरियल में मिल जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड काफ़ी ट्रेंडिंग है। 350 रुपीज़ का आपको ये मिल जाता है। Amazon पर भी अवेलेबल है और मीशो पर भी है। प्राइस ऑलमोस्ट दोनों जगह सेम है। बहुत ही ब्राइट कलर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। ये मैट गाइस मुझे बहुत ही वर्सेटाइल लगा। इसके ऊपर आप चाहो तो बैठ सकते हो, अपना कोई फर्नीचर प्लेस कर सकते हो, सेंटर टेबल, छोटी सी आपकी कोई टेबल हो वो रख सकते हो। काफ़ी ब्राइट लुक देता है। ये भी वॉशेबल है, आप इसको आराम से हैंड वॉश कर सकते हो। अगर ये इसमें डस्ट हो जाती है या फिर डर्ट होती है, या फिर आप इसको मशीन वॉश भी कर सकते हो। कमरे को एक ब्राइट लुक देने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट गाइस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ब्यूटीफुल सा कैंडल होल्डर जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एक अच्छी पॉजिटिव वाइब क्रिएट करता है आपके घर में। आप इसको कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो। इसके साथ ये जो कैंडल है ये आपको 3 to 4 मिल जाते हैं। रेस्ट इसके बाद आप इजीली परचेज कर सकते हो Amazon या फिर मीशो से। अंधेरा होने पर जब हम इसको लाइट करते हैं तो पूरे रूम में इस तरीके की डॉट डॉट रिफ्लेक्शंस आती हैं लाइट की। बहुत ही ज़्यादा इटर्नल लगता है, बहुत अच्छी वाइब्स देता है ये। तो कुछ इस तरीके का कैंडल होल्डर जो है आप अपने ड्राइंग रूम में या फिर डाइनिंग टेबल पे रखिए, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। कुछ इस तरीके के कैंडल होल्डर्स भी आपको मिल जाएंगे। 697 कुछ का ये मिल गया है, लेकिन अभी जो है इसमें और भी ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से इसमें एक बोहो सा लुक है जिसमें कि इन्होंने ये थ्रेड लगा रखा है। बहुत अच्छा लगता है, एक बोहो लुक देता है आपके रूम को, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट है एक ये यूटिलिटी होल्डर जिसको आप जैसा मर्जी चाहे यूज़ कर सकते हो। 271 रुपीज़ में आपको ये वुडन मटेरियल में मिलता है। आप चाहो तो इसमें कुछ इस तरीके के आर्टिफिशियल फ्लावर्स रख सकते हो, अपनी किचन यूटिलिटीज़ रख सकते हो या फिर अपनी स्टेशनरी रख सकते हो। क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छा है एंड बहुत प्यारा लगता है, एक ट्रेडिशनल लुक देता है। तो कुछ इस तरीके की अगर आपको कुछ अच्छी सी चीज़ें बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मीशो से मिलती हैं तो फिर क्यों ना हम अपने घर को इतना सुंदर सा बना दें कि दिखने पे हमको रिलैक्स्ड फील हो। नेक्स्ट गाइस आप लोगों के साथ बहुत ज़रूरी शेयर करना चाहूँगी ये मामा अर्थ का राइस फेस स्क्रब और मॉइस्चराइज़र। कोरियन लाइक ग्लास स्किन हर कोई चाहता है, जितना मर्जी DIY कर लीजिए लेकिन इफ़ेक्ट वैसा नहीं आ पाता है। सो आई हैव अ कन्वीनियंट एंड क्विकर सॉल्यूशन एसोसिएटेड विद कोरियन मॉडल जो आपकी स्किन को डूई, प्लम, लुमिनस एंड हेल्दी बनाता है। मामा अर्थ का राइस वाटर फेस रेंज आपको क्लियर एंड ब्राइट ग्लास स्किन देता है। नॉन टॉक्सिक है, पैराबेन फ्री और केमिकल फ्री है एंड दिस इज़ सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स। स्पेशली इसका राइस फेस स्क्रब जिसमें राइस एंड नियोसिनेमाइड है, राइस बीड्स हैं जो आपकी स्किन को क्लियर एंड ब्राइट बनाते हैं, पोर्स को अनक्लॉग करते हैं एंड एक्सफोलिएट करता है। ये जो है आपको फ्लिपकार्ट, Amazon, नायका, पर्पल पे इजीली अवेलेबल है, लेकिन आप इनको अगर डायरेक्टली मामा अर्थ की वेबसाइट या फिर ऐप से लेते हो आपको एक्स्ट्रा 20% का ऑफ मिल जाता है। तो हमको और क्या चाहिए। बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिए हैं मामा अर्थ के राइस फेस स्क्रब ने मुझे एक्चुअली में, क्योंकि इसको जब आप लगाते हो ना ये एक्चुअली बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि आपने घर में ही राइस का फेस स्क्रब बना करके अप्लाई किया हो। बहुत ही प्लम और डूई स्किन लगती है। मैंने यहाँ पे आपको अप्लाई करके दिखाया है फेस स्क्रब एंड ट्रस्ट मी गाइस इसको यूज़ करने के बाद मेरी स्किन एकदम से रेडिएंट और ग्लोई हुई है। एंड कॉन्टिन्यूएशन में जब आप ये राइस ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र लगाते हो तो बहुत ही एक ब्यूटीफुल और ग्लोई इफेक्ट आपके फेस पे आता है। मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है गाइस, एकदम केमिकल फ्री है तो आप इसको इजीली लगा सकते हो बेझिझक होकर। इसकी कंसिस्टेंसी जो है एकदम सेमी लिक्विड है, बिल्कुल भी रनी नहीं है, तो आप इसको कंफर्टेबली यूज़ कर पाओगे और ये बहुत ही नेचुरल विद लाइट फ्रेगरेंस आपको मिलता है। सो अगर इस ह्यूमिडिटी में और गर्मियों में आप एक अच्छा सा फेस स्क्रब ढूंढ रहे हो सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ बेस्ट डील फॉर यू। सो गाइस इस ह्यूमिड और गर्मी के मौसम में इस राइस फेस स्क्रब को ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। इसका कूपन कोड मैंने स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। सो आई होप गाइस कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए यूज़फुल रहा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड इसी तरीके की और अच्छी अच्छी हॉल वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आती हूँ तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। टिल देन स्टे